लव यू टू, लव इंडिया। तो गाइज अभी अभी हम जो है फॉरेनर से मिले थे और फॉरेनर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने जो इंडिया के बारे में कहा था भाई वो तो एकदम आई लव इंडिया ऑसम, बहुत बढ़िया लगा उनका आवाज हमको, लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोले वो। हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आज हमारे साथ में विशाल भैया और पीछे है राहुल जिंजर व्लॉग्स, विशाल के शर्ट्स और दिनू के शर्ट्स, मेडिको दिनेश और हम सभी दोस्त मिलके जा रहे हैं, मतलब चित्तौड़ की साइड में हमारा घूमने का प्लान है। तो चलते हैं आगे की तरफ और पूरा आपको एंजॉय करने को मिलेगा। अपना चित्तौड़ का प्लान नहीं था बट हमें भी जाना था और पर हमारा वहाँ का कैंसिल करने के बाद हम चित्तौड़ जा रहे हैं। तो विशाल भाई से शाम को रात को बात हुई थी हमारी कि यार हम प्रतापगढ़ नहीं जाके हम चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं, तो वहाँ घूमने हो जाएगा बहुत टाइम। हम चाय बना चुके हैं। अच्छा भैया चाय बनाते हैं? बढ़िया, एक नंबर चाय बनाते हैं भैया। कॉलेज जब हम आते थे तो वो चाय पीते थे यहाँ पे, 5 रुपए की चाय और एक नंबर चाय, मतलब अभी तो बढ़ गया ना नीमच से। यहाँ पर हम स्पेशल चाय पीने के लिए आए, चाय वगैरह पी ली है यहाँ पे और चाय पीने के बाद वापस निकल रहे हैं। चलते हैं अब अपने रूट पे, निकलते हैं अपन अपने चित्तौड़ के। अभी फिलहाल हम निकल चुके थे वहाँ से चाय वाय पी के और पीछे विशाल भैया और नीलेश भाई बैठे हुए हैं, बाकी हमारे ड्राइवर ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइवर हमारा ड्राइव कर रहा है जो हमारे भाई है भैया, हमारे राकेश के शोर से जो हमारे भाई है जिनकी कार है, कार से जाते रहते कहीं पर जाना उठना बैठना घूमना बैठना, तो ये भाई का बड़प्पन है वो हमारा प्यार है जो जाते हैं घूमने के लिए। बाकी अपने बड़े लोग पीछे बैठे हैं। So guys, फिलहाल हम अब चित्तौड़गढ़ किले पे एंट्री कर चुके हैं। महल घूमने के बाद सीधा थोड़ा एक छोटी मोटी रील शूट करनी है, वो हाय हाय वाली पतली कमर हाय हाय वाली शूट कर लेते हैं और उसमें पतली कमर मेरी रहेगी और बाकी हाय हाय हमारा रहेगा। वैसे मेरी कमर पतली नहीं है, लाइट बहुत ज्यादा आगे से बहुत ज्यादा वो आ रही है दूर। ये हमारे असली फोटोग्राफर है, ये देखो कहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ही फोटोग्राफर है, इनको हायर करके लाए हैं, इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिल्कुल फोटोग्राफर हीरो लग रहे हैं। इनको मैंने ज़्यादा पैसे नहीं दिया, 150 रुपये में आया था, मैं मिल गया था इधर रास्ते में, तो बैठो गाड़ी में चलो। अच्छा तो ये अपने लिए, अपने लिए खाना पानी, रात को अपने लिए खाना पानी, मच्छरों के लिए दाना पानी। तो राहुल भैया का जो दाना पानी है छोटा भाई ने लिया, मदद नहीं करी हमने यार, हम तो और भागने की तैयारी में थे, अपने तो जेब में रख लिया उन्होंने। ये वाला किला है जो दिख रहा होगा आपको, ये लोग घूमने आते हैं टूरिस्ट वगैरह से बहुत सारे। और विशाल भाई हम दोनों यहाँ बैठे थे, देख रहे थे, थक गए थे, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद शिव भोलेनाथ मंदिर में जाएंगे। राहुल भैया यहाँ पर जो है जो कुछ फॉरेनर्स है उनके जो फोटोज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख ही सकते हैं। ये हमारा राहुल भैया, कैसा लग रहा राहुल भैया? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये व्लॉग आएगा तो वो भी अच्छा लगेगा। He does advertisements, makes money? Yeah. Wow. Good job. Oh. Yeah. Hey. Did he see it? No. Who took? Oh, he took. This is Chanel. It's Vishal K Video, 6.42 million subscribers. Dude. Wow. Congratulations. That's amazing. Thank you. Thank you. I hope you make a lot of money with that. Yeah. That's awesome. I never met someone with 6 million subscribers. Yeah. So that's great. That's great. And where do you study? Where do you guys study? Yeah, yeah. In Chittagong or in New Delhi? PB. From indoor. 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 PB. Yeah, it's like a Camino for the Jaipur. Oh, okay, okay. Cool. Yeah. Cool. I'm a teacher. Oh. No, he's videoing the pictures. Chittagong, baby. Chittagong. You have to come to Chittagong. And we love India too. Love you too. Love India.
All right. Okay. Now we're going to go, actually, I don't know if you're interested, but we're going to try to go this way and find a place to take the picture from that angle. I don't know if it's possible, but that's where we're going now. We want the picture, this picture, but from that side, looking this way. I know you guys like photography, so we're going to go look. We'll see. I don't know. तो गाइस अभी हम जो है फॉरेनर से मिले थे और फॉरेनर से बात करके बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने जो इंडिया के बारे में कहा था भाई वो तो एकदम आई लव इंडिया ऑसम बहुत बढ़िया लगा उनका आवाज हमको लेकिन समझ में नहीं आया क्या बोले वो अंडरस्टैंड ये ही इज आल्सो हॉट बोल के गया भाई वो फॉरेनर बोल के गया हां ये हॉट है बंदा मेडिसिन मतलब तुम मेडिसिन हो गया एमबीबीएस हो क्या ऐसे क्यों चाहिए हो तो वो लेकिन मुझे आपने बता दो नहीं मैंने कहा नर्स विदेशी लोग विदेशी भी पिता हो गए तेरे भाई के ऊपर बोल के गए यो हॉट ब्रो लपक के इंग्लिश बट लिटिल बिट बूस्ट वीडियो परफॉर्मेंस विद गाइस अभी हम यूएस के लोगों से मिले थे कुछ बातें हुई थी हमारी और बाकी भाई के चैनल का नाम क्या जैसे शो हो गए हाय हाय करने लग गया बंदा।